हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, तो हम लोगों ने सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया को डिस्कस किया था। आज हम क्या करते हैं, उसमें हमने देखा था कि अगर फर्स्ट कॉलम में जो है कोई चेंज नहीं हो रहा तो सिस्टम स्टेबल है, और अगर जितनी बार नंबर ऑफ चेंज हो रहा है उतने नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ में है। ठीक, आज इसमें क्या होता है कि रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में, जो है दो स्पेशल केस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं इसके स्पेशल केस वन की। ठीक है, क्या स्पेशल केस होते हैं? जैसे अभी तक तो हम लोगों ने ये बताया था ना कि मान लीजिए हमने कहा कि कोई हम से S4, S3, S2, S1, S0 ऐसे हमने बना लिया, और सपोज कीजिए ये 1, 3, 5, फिर ये 2, 4, फिर ये मान लीजिए 1, 2, फिर ये 1, फिर ये आ रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए ये आ गया से कुछ भी, यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए 3। ठीक, लेकिन तो हम क्या कहते थे, पहले कॉलम में देखिए अगर कोई चेंज नहीं है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी, ये भी, ये भी, तो हम क्या कहते हैं, सिस्टम स्टेबल है। ठीक, या मान लीजिए हमने कहा कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये और ये निगेटिव है, ये और ये भी निगेटिव है। ठीक, तो अब हम कहते हैं भाई यहाँ से प्लस से माइनस हो गया और फिर यहाँ माइनस से प्लस हो गया, मतलब अनस्टेबल है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, और नंबर ऑफ पोल्स जो राइट हाफ में है, तो जितनी बार साइन चेंज हुआ है तो नंबर ऑफ पोल्स कितनी बार साइन चेंज हुआ, एक बार प्लस से माइनस हुआ और फिर माइनस से प्लस हुआ, यानी दो बार चेंज हुआ ना, तो दो पोल्स जो है राइट हाफ प्लेन में आ गए, एस प्लेन में। ये तो क्लियर हो गया। अब स्पेशल केस इसमें ये आता है, जो आज हम लोग पहले स्पेशल केस की बात करेंगे, कि प्रॉब्लम तब वहाँ आएगी इफ ए फर्स्ट कॉलम टर्म इन एनी रो इज जीरो। मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये हमने लिखा क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ कि ये टर्म अगर जीरो आ गई तो जीरो आने से प्रॉब्लम ही होगा, फिर इसको आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर ना अटेंड किया हो प्लीज उसको रिफर कर लीजिए, तभी ये समझ में आएगा कि अगर क्या होगा कि इन ए फर्स्ट कॉलम टर्म इन एनी रो इज जीरो और बट द रिमेनिंग टर्म्स आर नॉट जीरो। ठीक है, और देयर इज नो रिमेनिंग टर्म, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो स्पेशल केस वन यही कहता है कि इफ इन एनी रो, इफ द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, इज जीरो एंड रिमेनिंग अदर्स आर नॉट जीरो, तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि किसी भी मैट्रिक्स में क्या, अगर पहला एक कॉलम का एलिमेंट जीरो हो गया है और बाकी सब जीरो नहीं है, तो इसके बाद जब आप ये कैलकुलेट करने चलेंगे, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि आपका जो है वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? अब आप देखिए, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब आप सीधा सीधा एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि सपोज कीजिए हमने कहा, आपको हमने एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये दिया हुआ है S की पावर 5 प्लस S की पावर 4 प्लस 2S³ प्लस 2S² प्लस 3S+5=0, और हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए पहले हम इसको इसकी इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा देखिए, क्वेश्चन दिया है S की पावर 5 प्लस S की पावर 4 प्लस 2S³ प्लस 2S² प्लस 3S+5=0। इसकी हमको स्टेबिलिटी चेक करनी है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हम क्या करेंगे, हमने ये लिख दिया S की पावर 5 फिर 4, 3, 2, 1 और 0, ये लिख दिया हमने। अब इसके कोफिशियंट इसका हो गया 1, फिर 2 और फिर 3, ये हो गया।
इसका कोफिशेंट हुआ 1, इसका हो गया 2 और ये कांस्टेंट टर्म का हो गया 5, ये लिख दिया हमने। अब आप यहाँ पहली टर्म निकालिए, तो पहली टर्म जो आप निकालेंगे फार्मूले से, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी है, ठीक है, तो अगर नहीं भी आपको आता, देखिए ये था फार्मूला बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यहाँ पे ये वाली एलिमेंट, तो 1 लिखा हमने और बाकी ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 2 और 1 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 माइनस 2 0 आ गया ना। अब आ गया यहाँ पहली टर्म 0 आ गई, ठीक। फिर आपने कहा कि अब क्या होगा, तो अब आगे की गाड़ी चलेगी नहीं, इसके 0 आने से क्या होता है कि अब आगे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं कि अगर इस तरह पहला टर्म कॉलम का 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम s प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब s प्लस 1 से ही क्यों करेंगे, तो जनरली क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी रहती है, ये जो गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हम s प्लस a से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लीजिए यहीं पे लॉजिक है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप कहेंगे सर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू वे a जो है आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक। सबसे आसान तरीका क्या है, आप a की वैल्यू 1 ले लीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a की वैल्यू आपने 1 ले लिया, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है s5 प्लस s4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इंटू क्या कर देंगे, इसको हम s प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 1 ही क्यों लिया है, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों लिया, आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आएगा, ठीक है। हमने लिखा ना वे a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा, निगेटिव नंबर मत लीजिएगा, पॉइंट वाला नंबर मत लीजिएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे और उससे आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये हो जाएगी आपकी एस की पावर 6 प्लस 2s की पावर 5 प्लस 3s की पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी जब हम इसको s प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या कीजिए, अब लगाइए आप इसमें राउत हर्विट्स क्राइटेरिया जो आपको बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे तो s की पावर 6 फिर s की पावर 5 फिर s की पावर 4 फिर s की पावर 3 फिर s की पावर 2 फिर s की पावर 1 फिर s की पावर 0, ये आ गया। अब 6 में 1 ये आ जाएगा आपका 1 3 5 5, फिर हो जाएगा 2 4 8 2 4 8, फिर 1 1 5 1 1 5, 2 माइनस 2, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, पिछला वीडियो देखिए उसमें मैंने बताया वही वैल्यूज कैसे आएंगी। फिर ये हो गया 2 माइनस 2 के बाद आएगा आपका 2 और 5, फिर ये आ जाएगा -7 और फिर ये आ जाएगा 1। तो देखिए ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो देखिए कॉलम में साइन चेंज हो रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे सिस्टम इज अनस्टेबल, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने बार साइन चेंज हो रहा है, तो देखिए पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है और फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी 2 बार साइन चेंज हो रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, इन द फर्स्ट कॉलम कितनी बार, 2 बार। तो इससे क्या पता चला, नंबर ऑफ रूट्स किसके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, इन द
राइट हाफ ऑफ एस प्लेन इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये स्पेशल केस है कि अगर पहला एलिमेंट जीरो हो जा रहा है फर्स्ट कॉलम का किसी भी रो में, तो आप यही मेथड लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं फिर आपको रिपीट करूंगा कि जो हमने इसको, या ध्यान रखिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमने एस प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप इसको एस प्लस टू से करिए, थ्री से करिए, और कुछ मत करिए, कंफ्यूज मत होइए। आप हर क्वेश्चन में उस करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को एस प्लस वन से ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिएगा, परफेक्टली ओके आंसर आपको मिलेगा। तो इसलिए कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत हो जाए। अब इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड होता है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।